आधा बाल्टी स्नैक्स मिला है। ये जो स्नैक्स है ना, ये आप हाथ से भी ऐसे ढूंढ के निकाल सकते हो। अभी आया एक मछली, बहुत ज्यादा पानी है। इसको भी एक प्रकार का स्नेल्स कहा जाता है। इसको हम लोग नहीं खाते हैं, इसको भी बहुत लोग खाता है। ये जो स्नेल्स है ये आंखों के लिए लाभदायक है, बहुत अच्छा है ये खाने से। ये ज्यादातर जो मणिपुरी है वो ट्राइब लोग है ये खाता है। अभी बंगाली लोग भी खाने लगा है मेरा गाँव में। ये मछली खाने में बहुत टेस्ट है। देखो कितना बड़ा एक क्रैब आया, इसको पकड़ा तो हाथ काट लेगा यार। 3 घंटे फिश पकड़ने के बाद नदी में कितना फिश मिला देखिए। ये इतना सा ये फिश मिला और स्नेल्स देखिए, आधा बाल्टी स्नेल्स मिला है। अब इसको जो पकाने का जो प्रोसेसिंग है ना, इसको भिगा के 2-3 दिन रखेंगे और इसको फिर गर्म पानी में बॉयल करके इसको पकाना पड़ेगा। एक बाल्टी करना था लेकिन हुआ नहीं है, आधा बाल्टी भी नहीं हुआ। और पहले तो क्या है ना, हम लोग जब बचपन में मछली पकड़ने के लिए आता था इस नदी पे, तो स्नेल भी बहुत सारे मिलता था। और अभी तो स्नेल भी छोटा हो गया, ये इस साइज़ का मिलता था पहले, अभी देखो छोटा छोटा साइज़ में मिलता है, इससे बड़ा और नहीं मिल रहा है। ये मछली क्या करेंगे, इसको दूँ या मैं खाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। गाइस बने रहिए मेरा वीडियो पे, और स्नेल्स को बनाने का जो तरीका है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत दिनों बाद नदी पे मछली पकड़ने के लिए आया, मिनिमम 10-15 साल तो होगा। आज मछली पकड़ने का याद आ गया और बचपन भी थोड़ा याद आ गया। इसी रिवर में इसी नदी पर हम लोग मछली पकड़ते थे बचपन में। स्नेल को 2-3 दिन पानी में भिगा के रखना पड़ता है, इसका जो पिछोड़ा है उसको निकालना पड़ता है और इसको क्लीन करना पड़ता है। ये देखिए इसमें पूरा ब्लैक है, इस ब्लैक को निकालना पड़ता है, ऐसा वाइट करना पड़ता है, इस तरह से घिसकना है। इसको गर्म पानी में 1/2 आवर तक उबालना पड़ता है। ऐसे मिट्टी खाता है, इसका जो पिछवाड़ा है ना, इसको इस तरह से इसका पीछे इसे अलग करना पड़ता है। पकाने के बाद पीछे से जब आप खींचोगे ये निकल के आने के लिए काटना पड़ता है। आवाज़ देखो पूरा मार्बल कैसा आ रहा है, ये मसाला रेडी है अभी। ये अफ्रीकन कोरिएंडर है, अफ्रीकन धनिया कहा जाता है, ये हमारा घर में लगाया हुआ है। और ये तेज़पत्ता है, ये चिली है, ये भी चिली है, ये धनिया और ये रहा ओनियन, ये चिली का पाउडर है, ये जिंजर सॉल्ट, ये हल्दी, ये जीरा पाउडर। कुकर में इसको 1/2 आवर बॉयल करने के बाद इस तरह से इसको देखने को मिल रहा है। ये पोटैटो 4-5 इसको डालना पड़ता है। ये जो चीज़ देख रहे हो एक लेमन है, इसको सिट्रस माइक्रोपेट्रा बोलता है, यहाँ पे बंगाली में सातकोरा बोलता है इसको। ये एक फ्लेवर बेड फ्लेवर है, बहुत खुशबू आता है इससे। बॉयल करने के बाद इसको एक बार धोना है और थोड़ा सा तेल में इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के 10 मिनट स्नेल्स को इस तरह से फ्राई किया गया। और आलू को पोटैटो को थोड़ा सा मसल देना है, तेज पत्ता को डाल देना है, अनियन को फ्राई करना है, गार्लिक को लहसुन को डालना है, उसके बाद में जो आफ्रिकन जो धनिया है उसको डाल देना है, थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, इसको रोस्ट करना है। सभी मसाला को एक एक करके डाल देना है, अभी आलू को डाल देना है। पूरा पोटैटो को रोस्ट करने के बाद ये जो स्नेल है इसको डालना है, लास्ट में धनिया को डालना है पाउडर या धनिया धनिया का जो छिलका है उसको भी अभी डाला गया है। पानी डाल देना है, इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद पानी डाल के 10-15 मिनट उबाल देना है। अभी बन के पूरा रेडी हो गया स्नेल, ये देखिए टेस्ट करेंगे। इसको पीछे से एक बार खींचना है, बाद में सामने से उसको फिर और एक बार खींचना है, जैसे 2-3 बार ऐसा पीछे खींचना है, वैसा अभी निकल के इस तरह से आया और इसको इस तरह खाया जाता है। ये जो इसका आँखों का जो पत्ता है ना, ये जो पत्ती है इसको नहीं खाना है, इसको फेंक देना है। काफ़ी टेस्टी हुआ, ज़बरदस्त। गाइस वीडियो पसंद लगे तो
मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।